हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। हियर इन दिस क्लास वी विल डिस्कस दैट अबाउट कर्म। ओके, ऑलरेडी मैंने द्रव्य और गुण के बारे में बता दिया है, डेफिनेशन ऑफ द्रव्य, डेफिनेशन ऑफ गुण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एज वेल। ओके, तो द्रव्य एंड गुण के आपको अगर देखना है, इफ़ यू वॉन्ट टू सी दैट, तो वहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, तो यहाँ पर हम कर्म की बात करेंगे। जब मैं वहाँ पर गुण मैंने बताया था, तो वहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जितने भी द्रव्य होते हैं वो पर्टिकुलर गुड़ और कर्म जो द्रव्य में जो आश्रित होते हैं, मतलब जो पर्टिकुलर जो कंटेंट है या फिर जो द्रव्य है या फिर कोई मेडिसिन है या फिर कोई भी कंटेंट ले लो, अगर हमने लिया है या फिर उसको खाया है या फिर कोई भी मेडिसिन हमने लिया है, वो पर्टिकुलर अगर हमें उसका इफेक्ट देखना है या फिर कर्म देखना है, वो क्यों होता है, वो पर्टिकुलर गुड़ों की वजह से होता है। ओके, वो गुड़ और कर्म जो होते हैं पर्टिकुलर डिसाइडेड रहते हैं कि ये द्रव्य ये कर्म करने वाला है, वो किसकी वजह से होता है, वो गुड़ों की वजह से होता है, वीर की वजह से होता है, तो गुण हमने पढ़ लिया है उसके वजह से होता है, वीर जो हम पढ़ने वाले इसकी वजह से होता है, विपाक की वजह से होता है या फिर प्रभाव की वजह से होता है। ओके, अगर रस की वजह से कोई अपना द्रव्य काम नहीं किया, वीर की वजह से काम नहीं किया या फिर विपाक की वजह से काम नहीं किया या फिर जो गुण है ओके उसकी वजह से अगर कोई काम नहीं किया, तो अल्टीमेटली कोई द्रव्य होता है वो प्रभाव की वजह से काम करता है, मतलब नेग्लेक्टिंग द रिमेनिंग फोर प्रॉपर्टीज़, वो अपना एक अलग इफेक्ट दिखाता है जो कि वहाँ पर हम उसकी थिंक नहीं कर सकते। ओके, वो इमेजिनरी हमारा प्रॉपर्टीज रहता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर इस वीडियो में कि वहाँ पे वीर विपाक क्या होता है। ओके, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि पर्टिकुलर जो कंटेंट है या फिर जो द्रव्य है वो कोई भी कर्म करता है, कोई भी फंक्शन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल करता है उसके लिए। ओके, यानी प्ले करता है, वो किसके थ्रू होता है, वो द्रव्य करता है। ओके, तो द्रव्य किसकी वजह से करता है, जो एंटिटीज उस पर्टिकुलर द्रव्य में रहते हैं उसी की वजह से करता है। ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। ओके, तो कर्म का जो डेफिनेशन आता है, ये तो कुर्वंती तद कर्म, मतलब जो पर्टिकुलर जो कंटेंट है, जो द्रव्य है, जो फंक्शन करता है, ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। ओके, ये क्रिया लक्षणम कर्म, जो वो एक्टिविटी कर रहा है, जो वो फंक्शन कर रहा है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल दूँ, अगर कोई हमें अगर स्वेद लाना है या फिर स्वेटिंग लाना है, तो स्वेटिंग इंड्यूस करने वाले हम कोई हर्ब लेंगे, कोई हम वहाँ पे द्रव्य लेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमें स्वेटिंग होगा। तो स्वेटिंग जो हमें हो रही है ये क्या है, क्रिया है, यानी कि वो हो रही है। ओके, इसका इफेक्ट हमें स्वेटिंग वाले द्रव्य से जो हमने लिया है, स्वेटिंग इंड्यूस करने के लिए, वो वहाँ पे वो अपना फंक्शन दिखा रहा है, तो जो दिखा रहा है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया लक्षणम कर्म। ओके, तो जो क्रिया हमें बॉडी में जो शो हो रही है, जो स्वेदन या फिर जो हमें स्वेटिंग हो रही है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, इन्हीं को अल्टीमेटली इन्हीं के ये लक्षण है। ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रिया लक्षणम कर्म। ये हमारा मेन डेफिनेशन है। अगर आपको कोई डेफिनेशन बोला कि कर्म का डेफिनेशन क्या होता है, कि कोई भी द्रव्य कर्म करता है, हमने बता दिया कि कोई भी ड्रग कर्म करता है, या फिर कोई भी अगर समझिए कि आप हमने कफ अग्नि मेडिसिन लिया, मतलब कफ को गलाने के लिए या फिर कफ को जो म्यूकस जो बने हुए हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए, उनको नलीफाई करने के लिए हमने कोई कफ एक्सपोटरेंट ऐसा कुछ मेडिसिन आता है, मतलब कफ को जो डिसॉल्व करता है, कफ को जो क्या करता है, लूज आउट करता है। ओके, तो उस पर्टिकुलर मेडिसिन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे कफ जो होता है वहाँ पे जो थोड़ा क्या होता है, लूजेस हो जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि कफ जो सॉरी जो पर्टिकुलर जो हमने मेडिसिन लिया है वो क्या कर रहा है, कफ को कम कर रहा है, तो कफ को कम कर रहा है, तो अल्टीमेटली इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। तो जिसकी वजह से पर्टिकुलर जो हमें जो इफेक्ट देखने को मिलता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे मेन डेफिनेशन देख लेते हैं, इनका हम एक एक का मीनिंग हम देखेंगे। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्यदपेक्षते। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक होता है, चरक सूत्र स्थान से पहला अध्याय 52 नंबर श्लोक से ये लिया गया है। संयोगे च विभागे च कारणम। ओके, कारण मतलब जो इसके इसका जो एक कारण होता है, मतलब रीजन होता है, किसका रीजन होता है, संयोग और विभाग। किसका संयोग, संयोग मतलब होता है कॉम्बिनेशन, और विभाग का मतलब होता है वहाँ पे सेपरेशन। अभी आप बोलेंगे कि किसका सेपरेशन, किसका वहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, दैट इज आंसर इज नथिंग बट संयोगे च विभागे च मतलब होता है कि अगर आपने कोई मेडिसिन लिया, अभी जैसे मैंने जस्ट बताया कि कफग्न वाले मैंने मेडिसिन लिया, वहाँ पे कफ जो लूज करे, कफ जो वहाँ पे एब्जॉर्ब करे या फिर उसको जो ड्राई करे, हमने ऐसे कोई मेडिसिन लिया। ओके, तो जो पहले जो कफ था, यानी कि जिसका पहले जो पहले ऑलरेडी कफ था, हमने उसको क्या किया, कॉम्बिनेशन किया, मतलब उसको कंबाइन किया। ओके, किसके थ्रू कंबाइन किया, कफग्न मेडिसिन को हमने कफ के थ्रू सॉरी कफ के साथ कंबाइन किया, और क्या होता है वहाँ पे,
तो यहाँ पे क्या हुआ, संयोग हुआ, ओके, कफ जो ऑलरेडी था उसके बॉडी में उसका संयोग हुआ किसके साथ, कॉम्बिनेशन हुआ, रिएक्शन हुआ किसके साथ, कफकने वाले मेडिसिन के साथ। अभी क्या होगा, वो जो कफ है वो वहाँ से निकल जाएगा, हट जाएगा, यानी कि उसका विभाग हो गया, मतलब उसका सेपरेशन हो गया। तो कहने का मतलब वही है कि संयोगे च विभागे च। और एक एग्जाम्पल दूँ, वेल नोन एग्जाम्पल, दैट इज़ कॉल्ड एज, अगर आप अच्छे या फिर अगर आप सद्वृत्त, मतलब जो बोला जाता है कि हमें ये करना है ये नहीं करना है, ओके, तो अगर आप अच्छी एक्टिविटी करोगे तो अच्छी एक्टिविटी करने से क्या होता है, हमें जो बुरे एक्टिविटी, ओके, तो आपको ऑलरेडी ये बहुत सारे गुड थॉट में बोले जाते हैं, ओके, आपको ये मालूम मिलेगा, इसलिए मैं आपको वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अच्छे अगर आप काम करोगे तो अच्छे काम करने से क्या होता है, जो बुरे कर्म होते हैं, जो बुरे काम होते हैं, हम वो भूल जाते हैं, उनका विभाग हो जाता है, उनका सेपरेशन होता है बॉडी के थ्रू, बॉडी के साथ। मतलब अच्छे कर्म जो होते हैं, अच्छे जो एक्टिविटी होते हैं, उनका हमने जब संयोग किया तो बुरे जो काम थे वो सेपरेट आउट हो गए, मतलब वो निकल गए, ओके, उन्हीं को मतलब होता है संयोग च विभाग च कारण। मतलब द्रव्य जो कर्म होते हैं, द्रव्य में जो कर्म जो रहता है, ओके, तो ऑलरेडी मैंने बताया कि द्रव्य का डेफिनेशन होता है, ओके, तो द्रव्यम आश्रितम, वहाँ पे द्रव्य के अंदर कर्म और गुण आश्रय होते हैं, मतलब कर्म ऑलरेडी डिसाइड होता है कि ये द्रव्य करने वाला है, ओके। तो अगर आपको और अच्छे तरीके से एग्जांपल जानना है तो और एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि हरितकी हो गया, ओके, हरितकी त्रिफला का एक कंटेंट होता है, आपको मालूम भी होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप मालूम कर लीजिए। त्रिफला एक हमारा ऐसा द्रव्य होता है, एक ऐसा हर्ब है जो कि एक रिजुविनेटिंग, मतलब रसायन दिखाने वाला ड्रग होता है, ओके, इसी के रिलेटेड जो हमारा हरितकी होता है, त्रिफला का एक कंटेंट है। हरितकी को जो यूज़ करते हैं हम, अनुलोमन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जो मल अगर बॉडी में रहेगा तो वो उसको निकाल देता है, ओके। अभी हमने हरितकी का यूज़ कर लिया, ओके, तो हरितकी का यूज़ हमने जब करेंगे तो मल जो होता है बॉडी के निकल जाते हैं, तो मल जब निकल गया, हरितकी का कॉम्बिनेशन हुआ उस मल के साथ, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संयोग हुआ। संयोग के बाद क्या हुआ, वो मल बॉडी से निकल जाते हैं, इन्हीं को क्या हुआ, विभाग हुआ, मतलब सेपरेशन भी हो रहा है एट ए टाइम, वहाँ पे एट ए टाइम कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, और कॉम्बिनेशन होने के बाद वहाँ पे जो कर्म हो रहा है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विभाग बोलते हैं, सेपरेशन बोलते हैं, ओके। संयोग से विभाग से कारणम द्रव्यम आश्रितम, ये जो कर्म जो रेस्पॉन्सिबल हो रहा है, ये जो एंटिटीज जो द्रव्य में है इन्हीं की वजह से हो रहा है, मतलब जो गुण है, जो वीर है, जो विपाक है, या फिर जो प्रभाव है, इन्हीं की वजह से वो कर्म शो हो रहा है, इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, वो पर्टिकुलर द्रव्य अपना कर्म कर रहा है, अपना फंक्शन वहाँ पे वो कर रहा है, ओके। कर्तव्य से क्रिया कर्म, मतलब जो क्रिया हो रही है, ओके, जो वहाँ पे हमें जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है वो किसका इफेक्ट है, वो कर्म का ही इफेक्ट है, ओके। वेल नोन मैंने एग्जांपल बताया आपको कि अगर कोई हमें स्वेदन देना है या फिर स्वेटिंग देना है, तो हमने वहाँ पे जैसे कि आपको मालूम है कि ज्वर यानी कि जो फीवर होती है तो वहाँ पे स्वेटिंग नहीं होता, ओके, इंटरनल टेम्परेचर हाई हो जाता है ड्यूरिंग वहाँ पे स्वेटिंग, जो स्वेद वस्त्र जो होते हैं वो ब्लॉक्ड रहते हैं, ओके, स्वेटिंग प्रॉपर नहीं होती है। तो हम ऐसे मेडिसिन लेते हैं सच एज पैरासीटामोल, आपको मालूम ही होगा, या फिर आयुर्वेदिक की अगर बात करें तो त्रिभुवन कृति लेते हैं हम, ओके, तो होता क्या, इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे स्वेटिंग हमें होने लगती है, ओके, तो बॉडी के ऊपर स्वेटिंग हो रहा है, ओके, कहने का मतलब ये है कि स्वेटिंग जो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, तो स्वेद प्रोड्यूस जो हो रही है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, ओके, जो इफेक्ट हमें जो दिख रहा है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो कर्तव्य से क्रिया कर्म, जो कर्म वो कर रहा है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो ये किसके रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, कर्म को जैसे हो रहा है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, ओके। कर्तव्य से क्रिया, जो वो अपना जो उसे करना है, जो स्वेटिंग जो नहीं हो रही थी अभी वो कर दिया उसने, ओके, ज्वर जो ठीक नहीं हो रहा था वो उसने ठीक कर दिया, ओके, अल्टीमेटली नहीं से हाँ हो जा रहा है, ओके, तो जो हो जा रहा है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, ओके। तो कर्तव्य से क्रिया इन्हीं को क्या हुआ, किसके जैसे हुआ, कर्म को जैसे हुआ। कर्म न अन्यद अपेक्षते, ओके, जो कंटेंट के यानी कि जो अपने कार्य करने के लिए किसी अन्य की सहायता न चाहता हो, ओके, या फिर जो अपनी जो एक्टिविटी रहती है वो खुद करे, ओके, जैसे कि सेटिंग जो था वो त्रिभुवन कृति रस की वजह से ही हुआ, ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्म न अन्यद अपेक्षते, ये जो कर्म है ये किसी अन्य तरीके से ना देखा जाए, मतलब स्वेटिंग जो थी वो हमें त्रिभुवन कृति से प्रोड्यूस हुआ या फिर किसी भी और कंटेंट से प्रोड्यूस हुआ, ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे वो स्वेटिंग करेगा, ओके, तो जो अपने कार्य करने के लिए किसी अन्य की सहायता न चाहता हो या फिर स्वयं क्रिया करने में समर्थ हो, ओके, वो कैपेबल हो उसके पास कि वो
हाँ भाई मैं अपना काम कर सकता हूँ, मैं स्वेटिंग इंड्यूस कर सकता हूँ, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, कर्म नान्यदपेक्षते। ओके, क्रिया लक्षणम कर्म या तो कुर्वन्ति कर्म, मैंने ऑलरेडी इसका मतलब बताया आपको। तो यही यहाँ पे लिखा गया, आपको मीनिंग यहाँ पे लिखा, कर्म प्रेजेंट इन द मैटर इज द कॉज ऑफ कॉम्बिनेशन एंड द सेपरेशन। ओके, तो संयोग और विभाग का कारण होता है ये। और क्या होता है ये, समथिंग कोई अलग से कर्म इज द एक्शन रिलेटेड टू द समथिंग टू बी अचीव, जो हमें जो ऑप्टन होता है वही होता है ये, कोई अलग कोई डिफरेंट थिंग नहीं है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी अदर फैक्टर टू इट्स एक्शन। ओके, कोई अलग रिक्वायर नहीं होती है कि ये रिक्वायरमेंट्स दिए, ये रिक्वायरमेंट दिए, कि मतलब वहाँ पे द्रव्य जो कर्म होते हैं उनको शो करने के लिए पर्टिकुलर कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि अलॉन्ग विद दैट हमें ये लेना है। नो, जो पर्टिकुलर द्रव्य होती है वो अगर कर्म करने वाला रहेगा तो वो कर्म करेगा। ओके, नो डाउट वो अपना कर्म करके ही जाएगा। कर्म डज नॉट रिक्वायर एनी अदर, यानी कि उसके प्रोसेस के लिए कोई अदर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कर्म नान्यदपेक्षते। ओके, तो वो यहाँ पे लिखा गया है, इसका मीनिंग चक्र पाणी के जैसे चक्र पाणी उन्होंने ये दिया है। ओके, टाइप ऑफ कर्म दिया है तो उत्क्षेपणम ततो अपक्षेपणम आकुंचनम तथा प्रसणम च गमनम कर्मणि एतानि पंच च। मतलब ये वैशेषिक दर्शन के वहाँ पे इन्होंने ये फाइव टाइप दिया है कर्म के। उत्क्षेपणम ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। ओके, उत्क्षेपण मतलब हाथों के जो मूवमेंट है, उत्क्षेपण मतलब मूवमेंट मतलब ऊर्ध्वगति, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रही है उनको हमने क्या किया, ऊपर के जो डायरेक्शन में जो कर्म हो रहा है उनको क्या हुआ, उत्क्षेपणम कर्म, मतलब ऊर्ध्वगति में जो कर्म हो रहा है। ओके, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जो हम हाथों के जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो हमारा जो है जो अपर लिम है उनका अगर हम अपर डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उत्क्षेपणम। तथो अपक्षेपणम मतलब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अधोगति में जो मूवमेंट हो रही है, सच एस जो मल जो बाहर निकल रहे हैं। ओके, और जो ऊपर की जो डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रही है, सच एस जो हम हवा जो अंदर ले रहे हैं, मतलब जो वायु जो अंदर ले रहे हैं अपने अंदर लंग्स के अंदर, ये अपक्षेपणम मतलब जो ऊर्ध्वगति जो डायरेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, मतलब जो ऊपर के बॉडी के जो पार्ट्स में जो देखने को मिल रहा है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनका जो मूवमेंट हो रहा है, जो वायु जो हमें लंग्स में आ रहा है इनका जो मूवमेंट है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उत्क्षेपणम कर्म। ओके, अपक्षेपणम कर्म मतलब जो यूरिन जो फीसेस जो बाहर निकल रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब अधगति जो देखने को मिल रहा है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अपक्षेपणम कर्म। आकुंचनम मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि जो ब्लड वेसल्स है उनका कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, तो जब ब्रैडीकार्डिया या फिर जो ट्रैकीकार्डिया आ जाती है, मतलब जहाँ पे पल्स रेट या फिर जो जो रेट होता है, ओके, तो वहाँ पे जब बढ़ जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, तो उनमें हम क्या करते हैं, द ब्लड जो होता है डायलेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डायलेट नहीं होता वहाँ पे, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके, तो ड्यूरिंग द वहाँ पे जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा, जो पल्स रेट होगा, जो हार्ट रेट होगा वो बढ़ जाता है। ओके, आप ऐसा समझिए ट्रैकीकार्डिया कंडीशन देखने को मिलता है, नो डाउट ट्रैकीकार्डिया मतलब पल्स रेट हार्ट रेट बढ़ जाता है, मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे, ड्यूरिंग ड्यू टू द कॉन्स्ट्रिक्शन वहाँ पे उनका ट्रैकीकार्डिया हो गया है। या फिर आप ऐसा एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर पेशेंट को ब्रैडीकार्डिया हो गया, ब्रैडीकार्डिया मतलब वहाँ पे डायलेटेशन होता है, तो डायलेटेशन हुआ है, ब्रैडीकार्डिया हुआ है, और ब्रैडीकार्डिया की वजह से क्या होता है, वहाँ पे प्रॉपर जो फ्लो होता है ब्लड का वो हर एक टिश्यू को नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना जरूरी होता है, मतलब आकुंचन करना जरूरी होता है, तो आकुंचन वाले हमें द्रव्य देना पड़ता है जो कॉन्स्ट्रिक्ट करे। ओके, जो आकुंचन करे, प्रसरण मतलब जो डायलेट करे। ओके, तो ट्रैकीकार्डिया में आप देख सकते हो कि जहाँ पे हार्ट रेट हाइपरटेंशन जो रहता है, जहाँ पे हार्ट रेट जो बीपी जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, तो उनमें हम वेसल्स को डायलेट करते हैं। ओके, गमनम मतलब मोशन। ओके, जो मूवमेंट होती है ब्लड वेसल्स की उनका गमन, यानी कि मूवमेंट। ओके, तो ऐसे पांच कर्म बताए गए अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन, उत्क्षेपणम तथा अपक्षेपणम आकुंचनम तथा प्रसरणम च गमनम कर्मणि एतानि पंच च। ओके, ये जो कर्म आप देख सकते हो, कर्म पंचविधम मुक्तम वमन आदि, वमन कर्म, विरेचन कर्म, आस्थापन कर्म, निरूह कर्म एंड नस्य कर्म, मतलब ये फाइव ऑपरेटिव थेरापी होती है, नेम कर्म पंचकर्म बोलते हैं। कर्म पंचविधम यानी कि पंचकर्म उक्तम जो बताए गए, वमन आदि, वमन, विरेचन, आस्थापन, निरूह, नस्य, वमन कर्म, विरेचन कर्म, आस्थापन बस्ती, निरुह बस्ती, नस्य कर्म। ओके, ये पंचकर्म के अंतर्गत आते हैं जिन्हें हम ऑपरेटिव थेरेपी बोलते हैं आयुर्वेद में। ओके, तो वमन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, वमन द्रव्य देते हैं, यष्टि मधु देते हैं, मदन फल देते हैं, ये सब ऐसे द्रव्य होते हैं जो ओमिटिंग को इंड्यूस करते हैं, ओमिटिंग के इंड्यूस करने की वजह से क्या होता है, दोष जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, वो बाहर थ्रू द माउथ निकल जाते हैं। तो ये तरीका होता है, ऑपरेटिव थेरेपी होता है। ओके, आपको आई होप यू ऑल नो दैट। तो वमन के थ्रू हम दोषों को जो
बॉडी में जो फैले हुए रहते हैं, जो दोष फैले हुए रहते बॉडी के अंदर, उनको बहिर्मुख मतलब बाहर के रास्ते निकालते हैं विद द माउथ। ओके, बाहर निकाल लेते हैं हम, जो एक तरीके होते हैं। ओके, स्नेहन स्वेदन करने के बाद हम वोमन थेरेपी देते हैं, यानी कि इनमें तीन फेस आता है, प्री ऑपरेटिव थेरेपी, देन वहाँ पे ऑपरेटिव थेरेपी, एंड देन वहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी। तो प्री ऑपरेटिव थेरेपी मतलब क्या करते हैं, ये पांच कर्म, ये जो होने वाला है पंचकर्म जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, ओमिटिंग जहाँ पे होने वाली है, तो ओमिटिंग जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे विरेचन हम देते हैं पेशेंट को, मतलब थ्रू द जो एनस होता है वहाँ पे उसके थ्रू वो निकाल दे दोषों को, निकाले, तो उन्हें क्या बोलते हैं, विरेचन बोलते हैं। आस्थापन इन निरोबस्थी, अगेन हम पेशेंट को रेक्टली वहाँ पे मेडिकेशन देते हैं पेशेंट को, मेडिसिन डालते हैं, यानी कि थ्रू द रेक्टम, थ्रू द एनल ओपनिंग। तो वहाँ पे जो अल्टीमेटली जो मोशन होता है वो क्या होता है, थ्रू द एनल ओपनिंग के थ्रू जितने भी दोष होते हैं वो अल्टीमेटली वात दोष जो होते हैं वो निकल जाते हैं। ओके, तो स्नेहन स्वेदन ये कर्म करना पड़ता है, इन्हें हम प्री ऑपरेटिव कर्म बोलते हैं। तो कर्म पंचविध मुक्तम मतलब आप ऐसा समझिए कि वमन कर्म जहाँ पे ओमिटिंग प्रोड्यूस हो रही है, ओके, जहाँ पे ओमिटिंग हम इंड्यूस कर रहे हैं, ओके, तो वमन कर्म करने के लिए वमन द्रव्य होते हैं, सचेस यष्टि मधु सचेस मदन फल। तो ये जो द्रव्य होते हैं, ये अपना द्रव्य, ये जो अपना काम है, ये वमन करने का काम अवश्य दिखाएंगे, कर्म नान्यते अपेक्षते, ओके, अवश्य दिखाएंगे, इनके कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती कि ये यष्टि मधु का अगर कोई बोला है कि ये अपना कर्म दिखाएंगे, मतलब इनको ओमिटिंग ये इंड्यूस करेंगे, तो ये इंड्यूस करके ही रहेंगे। ओके, नो डाउट ये इंड्यूस करेंगे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वमन कर्म बोलते हैं। ओके, वमन द्रव्य जब अपना काम करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वमन कर्म बोलते हैं। ऐसे ये पांचों के लिए भी है। ओके, तो टाइप ऑफ कर्म यहाँ पे बताया गया है, तो षटत्वम न अति वर्तन्ते तृत्वम वातादेव तथा वातादेव यथा, मतलब चरक सूत्र का ये श्लोक लिखा है, मतलब द्रव्य के बहुत सारे कर्म बताए गए हैं, लेकिन इनमें से ये छः कर्म बताए गए हैं। जिस प्रकार जैसे कि वात पित्त और कफ ये तीन दोष बताए गए, उसी प्रकार द्रव्य के बहुत सारे कर्म बताए गए हैं। ओके, बहुत सारे कर्म, जैसे कि द्वीपन, पाचन, स्त्रंसन, भेदन, लेखन, रेखन, ओके, शोधन, संशमनम, ऐसे बहुत सारे कर्म बताए गए, लेकिन इन आउट ऑफ दैट वी आर यूजिंग दिस सिक्स कर्म ओनली। ओके, सिक्स कर्म यहाँ पे हम, जो कि मुख्य कर्म होते हैं, इन्हीं को मेन कर्म बोलते हैं। तो लंघन, वृणनम, स्तंभनम। ओके, तो लंघन मतलब होता है जहाँ पे हम दुबला पतला पेशेंट होता है, मतलब वो लीन हो जाता है, जैसे कि उदाहरण अगर दिया था हमारा जो मधु होता है, या फिर जो वचा एक एग्जांपल है, वचा एकोरस कैलमस, ओके, मरीच हो गया हमारा, तो ये सभी जो द्रव्य होते हैं वो लंघन करते हैं, मतलब कृशता, मतलब दुबला पतला लाते हैं, ये द्रव्य को क्या बोलते हैं, लंघन कर्म बोलते हैं। इन दैट सेम मैनर ऐसे वृणनम कर्म है, वृणनम कर्म मतलब जो मसल टोन को बढ़ाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वृणनम कर्म। तो अल्टीमेटली ये बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी के लिए शरीर पर अपने इफेक्ट दिखा रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। स्तंभनम, स्तंभनम मतलब जहाँ पे कोई भी चीज़ रुक जाती है, ओके, जहाँ पे गति में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, सचेस अगर हम देखें कि जब ब्लड लॉस होता है तो उन्हीं को हम क्या करते हैं, स्तंभन कर्म करते हैं, मतलब वहाँ पे हम क्या करते हैं, आइसक्रीम लगाते हैं। ओके, जब वहाँ पे हम क्या करते हैं, आइस क्यूब लगाते हैं। ओके, होता क्या, इसके जैसे क्या होता है, स्तंभक कर्म होता है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्तंभक या फिर स्तंभन कर्म। ओके, स्वेदन कर्म होता है जहाँ पे स्वेटिंग प्रोड्यूस होती है, ओके, जहाँ पे स्वेद निकलता है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे कि गर्म पानी हो गया हमारा, ओके, या फिर आप मरीच ले लो एग्जांपल, या फिर वचा हो गया हमारा, या फिर हींग हो गए, तो ये सभी द्रव्य होते हैं वो स्वेटिंग लाते हैं बॉडी के अंदर। ओके, रुक्षण एक कर्म होता है जहाँ पे रुक्षता यानी कि ड्राइनेस हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, जैसे कि खदीर हो गया हमारा, ओके, खदीर मतलब कत्था, या फिर वात प्रकोपक जितने वाले जो द्रव्य आते हैं, ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रुक्षण कर्म बोलते हैं। स्नेहन कर्म बोलते हैं जहाँ पे बॉडी के अंदर ऑयलीनेस बढ़ जाता है, स्निग्धता जो लाता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्नेहन कर्म बोलते हैं। तो देयर आर टोटल बहुत सारे स्नेहन कर्म वाले, जैसे कि अगर एग्जाम्पल बताऊँ, घी हो गया, तेल हो गया, ओके, जैसे कि बहुत सारा तेल है, सॉरी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, वसा हो गया हमारा, मज्जा हो गया। तो कहने का मतलब है कि द्रव्य अपने अपने काम करेगा, तो इस निस्वेदन जो कर्म अचीव हुआ हमें किसी द्रव्य को जैसे तो काम हुआ, तो कोई भी द्रव्य जो काम करेगा अल्टीमेटली जो कर्म जो वहाँ पे इफेक्ट हुआ, जो द्रव्य जो इफेक्ट हमें जो गेन हुआ, उन्हीं को तो हमने टर्मिनोलॉजी दिया लंघन कर्म। लंघन कर्म हमने मरीच खाया कुछ दिनों तक, हमने कुछ दिनों तक वहाँ पे मधु यानी कि वहाँ पे हनी लिया, तो ये सभी के जैसे क्या हो रहा है,
हमें लंघन कर्म देखने को मिल रहा है। तो लंघन कर्म करने के लिए लंघन द्रव्य की रिक्वायरमेंट हुई, जैसे कि मधु हो गया, वचा हो गया, मरीच हो गया, तो ऐसे ये सभी कर्म यहाँ पे इफेक्ट हुए। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, षट कर्म बोलते हैं। ओके, तो संतर्पण और अपतर्पण, तो इन्हीं को छह कर्म यानी षट कर्म बोलते हैं। तो षट कर्म हो या फिर पंचविध कर्म हो या फिर वहाँ पे आकुंचन प्रसरण या फिर वहाँ पे उच्छेपणम अपक्षेपणम या फिर गमन हो, तो ये सभी कर्म करने के लिए, ये सभी इफेक्ट हमें शो करने के लिए द्रव्य, उस पर्टिकुलर द्रव्य को रिक्वायरमेंट होती है। ओके, उस पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर द्रव्य है वो अपना एक्टिविटी गुण वीर्य विपाक प्रभाव के वजह से ही करता है। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग अवर कर्म। वी विल सी द फर्दर वीडियोस ऑनवर्ड्स। ओके, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अलग अलग कर्म के बारे में। सो अंटिल देन यू हैप्पी। ओके, आप खुश रहिए और आयुर्वेद को कंटिन्यू ओबे करते रहिए। दैट इज़ ऑल अबाउट दैट।